प्रश्न, क्या रमजान के मुबारक महीने में दिन के अलावा अन्य घड़ियों में संभोग करना जायज है? उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। रमजान के महीने में मगरिब से लेकर फज्र तक पत्नी से संभोग करना जायज है। अल्लाह ताला का फरमान है, احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. अर्थात रोजे की रातों में अपनी पत्नियों से संभोग करना तुम्हारे लिए वैध कर दिया गया है। वह तुम्हारी पोशाक है और तुम उनके पोशाक हो। तुम्हारी गुप्त खियानतों को अल्लाह ताला जानता है। उसने तुम्हारी क्षमा याचना स्वीकार करके तुम्हें क्षमा कर दिया। अब तुम्हें उनसे संभोग करने की और अल्लाह ताला की लिखी हुई चीज़ को ढूंढने की अनुमति है। तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि प्रभात अर्थात फज्र का सफ़ेद धागा रात के काले धागे से अस्पष्ट हो जाए। फिर रात तक रोजे पूरे करो और स्त्रियों से उस समय संभोग ना करो जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ की स्थिति में हो। यह अल्लाह ताला की सीमाएं हैं, तुम इनके निकट भी ना जाओ। इसी प्रकार अल्लाह ताला अपनी आयतें लोगों के लिए वर्णन करता है ताकि वे बचें।